गुड मॉर्निंग फ्रॉम बबुआ बिहार। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने ही बिल्डिंग के आसपास जो एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी वहाँ पे ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था चीज़ें। आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम भभुआ के आसपास जो जगहें हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप भभुआ कभी आते हो तो भभुआ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, जिसमें से मुंडेश्वरी भवानी मंदिर जो है वो सबसे टॉप पे आता है क्योंकि भभुआ अक्सर लोग वही देखने आते हैं। तो आज हम सबसे पहले जाएंगे मुंडेश्वरी भवानी मंदिर और उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ के पास में एक कुंड है जिसका नाम है तिल्हाड़ कुंड, और उसके बाद अगर समय रहता है तो हम जाएंगे करमचट डैम। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है, वो भी बिहार से। तो ये हम ले रहे हैं बिहार में पेट्रोल और बिहार में है 106.05 रुपये पर लीटर। भैया इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे, जेब तो भारी लग रहा है आपका। खैर अच्छी बात यह है कि ऐसे छोटे सिटीज़ में भी दे आर एक्सेप्टिंग डिजिटल कैश। तो यहाँ से है मुंडेश्वरी देवी जी का टेंपल 2 किलोमीटर। इस गांव का नाम है सरैया। वैसे अभी कोविड को लेकर मंदिर बंद है लेकिन सीढ़ी तक जाने दे रहे हैं, तो हमने सोचा जब हम इतना दूर आए हैं तो बंद भी है तो एटलीस्ट दर्शन मंदिर के तो दर्शन कर ही सकते हैं। तो हम यहाँ मंदिर के पास पहुँच गए हैं लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर अभी बंद है, मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सीढ़ियों तक जाओगे और अगर आपको पूजा करवाना है, प्रसाद चढ़ाना है, तो वो आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो आएगी तब तक शायद मंदिर खुला होगा, और अगर आप आ रहे हो तो चेक कर लेना। इस मंदिर की कुछ कहानियाँ हैं। कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था, कि चंड मुंड नाम के दो दैत्य थे। मुंड का विनाश करने के बाद यहाँ पर माता जो है उनका नाम मुंडेश्वरी भवानी टेम्पल के नाम से है। और एक विचित्र प्रथा है, वैसे तो बहुत सारे जो हमारे बिहार में एक चीज़ होता है कि दुर्गा माँ और काली माँ को बलि चढ़ाई जाती है बकरे की, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बकरे को लाया जाता है और उसको मतलब सिंदूर वगैरह पहनाया जाता है, अक्षत लिया जाता है, उसके ऊपर मंत्र फूका जाता है और बकरे पर मार दिया जाता है, मतलब ऐसे करके, और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद फिर थोड़ा देर के लिए बेहोश होता है, वो बलि हो गई, समझ लो उसकी बलि हो गई, उसको मारा नहीं जाता। दिस इज़ वेरी गुड थिंग विच आई पर्सनली लाइक्ड। तो कोशिश करते हैं कि अगर मंदिर हम देख पाए, कोशिश क्या लगता है गुरु, मुश्किल है। होप इज द लास्ट थिंग दैट डाइज इन द मैन, आशा कभी नहीं मरती है। मंदिर वैसे किस साइड है? मंदिर ऊपर पड़ेगा पहाड़ी पर। पहाड़ी पर मंदिर बंद है सर, नीचे नीचे अपना पूजा हो रहा है माता जी का। अच्छा, एक गेट पर हो रहा है सर। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया कि मंदिर के दर्शन हो सके, और थोड़े बहुत दर्शन हुए हैं, लेकिन कभी जब ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो एक बार ही जाकर देवी माँ के दर्शन ज़रूर करूँगा। मुंडेश्वरी माँ के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं तिल्हाड़ कुंड, और ये रास्ता यहाँ से मंदिर से करीब 40 मिनट का बता रहा है गूगल मैप, 23-24 किलोमीटर है रास्ता यहाँ का, जो मतलब बहुत प्यारा है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे, मानसून का टाइम, थोड़ी सी गर्मी भी है, ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही है।
हम आ गए हैं भगवानपुर। भगवानपुर से रास्ता कटता है मुंडेश्वरी माता का, और इसी रास्ते से अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे तिल्हाड़ कुंड। ये वादियां देख के ना एक ही चीज मन में आ रहा है कि बिहार कितना खूबसूरत है ना। कभी कभी होता ना हम चीजों को पहचान नहीं पाते, या फिर पहचानने में देर कर देते हैं। मुझे ऐसे एज अ बिहारी बड़ा प्राउड फील हो रहा है भैया, ये देख के कि हमारा बिहार इतना खूबसूरत है। कितना प्यारा है, देखो हर जगह ग्रीन माउंटेन्स, ग्रीनरीज, अच्छे रोड्स, एवरीथिंग। यहाँ से शुरू हो रहे हैं बिहार के पहाड़ रोड वाले। ये वही मंदिर है मुसहरवा बाबा, मुसहरवा बाबा जिधर वो नहीं कहते बीड़ी डाल के जाते हैं। हमारे पास बीड़ी तो नहीं है, हम सिक्का डाल देते हैं, बाबा कैश करा लेंगे, बीड़ी करा लेंगे मतलब। हाँ तो अभी हम जा रहे थे तिल्हाड़ कुंड के रास्ते में, और यहाँ पे एक मंदिर पड़ा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग जो भी लोग आ रहे हैं रुक के प्रणाम करके जा रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि ये किस चीज़ का मंदिर है, नाम लिखा हुआ है जय मुसहरवा बाबा। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बीड़ी चढ़ाते हैं, खैनी चढ़ाते हैं। अगर इनमें से कुछ अगर आप नहीं चढ़ाना चाहते हो तो कैश में सिक्के या फिर कुछ भी, आपका ऐसा मानना है कि यहाँ आने के बाद दर्शन करके और प्रणाम करके ही आगे जाना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कुछ मिसहैपनिंग हो जाए। नोबडी नोज, तो ऐसे प्रणाम करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो अगर कभी आओ तो ये कर लेना। तो अब हम निकल रहे हैं कहाँ पे, हम निकल रहे हैं तिल्हाड़ कुंड की तरफ। अधौरा प्रखंड सीमा प्रारंभ 12.5 किलोमीटर पे है तिल्हाड़। आज तुम्हारा भाई करेगा रेन वाटर व्लॉगिंग, मतलब बारिश हो रही है और हमने ट्राई किया है कि गोप्रो को थोड़ा वाटर प्रूफ बनाया जाए। वैसे स्क्रीन पे पानी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई लोग एडजस्ट करना। आगे बारिश हो रही है बहुत अच्छी, धीरे चले सुरक्षित पहुंचे। हाय हाय क्या बारिश है, थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। 4:30 बज रहे हैं अभी। वाह, सारे लोग प्लास्टिक ओढ़ के बैठे हैं भैया, बारिश से बचने का जुगाड़, क्या करेंगे। बाइक वाइक को भी ढक दिया है। ओहो, वैसे तो मैं मॉनसून में कभी भी महाराष्ट्र के साइड नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक वीडियोस में देखा है, सुना है, एकदम ऐसा ही लगता है। ऐसा है मतलब इतना ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग। देखिए ज़रा कोई जाएगा तो पता चलेगा। ये भाई कल जैसा सीन हो जाता है, ये पैर उठा लेना पानी फिर गीला नहीं तो। बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है ये पूरा, लगी नहीं रहा यार यहाँ पर। वही तो, बिहार किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है ये ऐसा, मतलब मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ कि मेरा बिहार इतना खूबसूरत है, और मुझे ये आज पता चल रहा है। इतनी सुंदर जगह, इतनी शांत। जय बिहार। मुझे लगता है हम कोशिश करें तो बिहार के इस एरिया को भी
टूरिज्म में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं मानसून के टाइम। जो अभी हम तिलहाड़ कुंड देखने जा रहे हैं वो तो अलग ही है, लेकिन अभी ये पूरा है। लोग यही तो देखने आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ से तिलहाड़ कुंड कितने किलोमीटर पे है वो अदृश्य है, यहाँ से अंदर जाना होगा। तिलहाड़ कुंड ये देखो, लोमड़ी छिप गई, बिहार की लोमड़ी। कुछ इस तरह का रास्ता है तिलहाड़ का। अब ज्यादा लोग नहीं आते हैं तो इस वजह से सरकार भी शायद ध्यान नहीं देती होगी, वरना ध्यान देने लायक कुंड तो जरूर है। और मानसून में वैसे नहीं आना चाहिए, हमने थोड़ी सी गलती की है बिहार में मानसून में आके। इस ट्रिप के दूसरे वाटरफॉल पे हम पहुंच गए हैं जिसका नाम है तिलहाड़। और निशान भाई अभी देख कर आए, निशान भाई कैसा लगा? एक नंबर। और रास्ते कैसे लगे? एक 10 नंबर। मतलब कभी एक्सपेक्ट किया था आपने कि बिहार में इस तरह के रास्ते इस मौसम में? मतलब क्या कुछ बताओ हमारी दर्शकों को, बताओ हमारे दर्शकों को। देखो मैं बिहार पहली बार आया हूँ और मैंने तो सोचा था मतलब वही जैसे यूजुअल बिहार जैसा दिखाया जाता है वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ के जो नज़ारे हैं ना भाई, किसी हिमाचल मसूरी धनवल्टी से कम नहीं है। आपने देख ही लिया होगा वीडियोज़ में कि अभी कितने बढ़िया बढ़िया पहाड़ थे, कितनी हरियाली है यहाँ पर। वाटर क्रॉसिंग्स देख के तो ऐसा लग रहा है लद्दाख फील है यहाँ पर। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मानसून में ही मिलेगी, तो मानसून में आने के कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, तो हम फ़ायदे देखते हैं, फ़ायदे हमें दिख रहे हैं। जब आप तिलहाड़ आते हो तो बाइक वगैरह थोड़ा यहाँ लगाना पड़ता है और थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा ट्रैक के करीब करीब 500 मीटर का, 500 मीटर भी नहीं 100 मीटर का, 200 मीटर होगा 200। ये हमारे पीछे जो पानी की आवाज़ जो शोर सुनाई दे रहा है आपका, यही पानी आगे जाके एक कुंड में गिरता है बहुत ऊंचाई से, इसीलिए इस जगह का नाम है तिलहाड़ कुंड। यार मुझे पता नहीं चल रहा, एक परफेक्ट जो लोकेशन है जहाँ से पूरा कुंड साफ साफ दिखता है वो मुझे मिल नहीं रहा, शायद उसके लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। पर हमें आगे जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहीं से खड़े खड़े सब दिखा सकते हैं। जब से आए हैं और अभी तक थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है, तो बारिश में ही मैंने थोड़ा ट्राई किया ड्रोन शॉट का और थोड़ा थोड़ा अच्छा ही आ गया। तो तिलहाड़ हमने देख लिया है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बाद में पता लगा कि तिलहाड़ कुंड में ऐसे एक शिव भगवान का शायद टेम्पल भी है, वो तो हम देख नहीं पाए। बाद में जब बाहर निकले तो पता चला कि वहाँ पर एक मंदिर भी है। तो अब हम लगभग कैमूर की पहाड़ियों से उतर रहे हैं नीचे और अब हमें जाना है यहाँ से सासाराम। यहाँ से देखो क्या नज़ारे हैं। हमारा मन था कि हम एक जगह और जाएं जिसका नाम है करमचट डैम, मतलब
दुर्गावती बांध, लेकिन अभी हो रही है रात, रात नहीं शाम हो चुकी है, 6 बज गए, तो आई डोंट सी अ पॉइंट। तो हम शायद अभी सासाराम जा रहे हैं और फिर कल या परसों में देखते हैं अगर करमचट का प्रबंध हो पाया तो। तो अब हो रहा है हमारा भभुआ से टाटा बाय बाय, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सासाराम। यहाँ से 63 किलोमीटर है और अभी 7:05 हुए हैं, 2 घंटे के आसपास लगेंगे। हम मेन हाईवे से जा रहे हैं। देखो अगर आप यहाँ आते हो तो अगर कहीं अंदर ट्रैवल करना है तो डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग एट नाइट, लेकिन अगर बाहर हाईवेज वगैरह पे निकलना है तो आप आराम से निकल के बढ़िया। हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे मोहनिया से फिर कुदरा, और कुदरा से शायद सासाराम शायद। तो हम आ गए हैं अब सासाराम। हमने यहाँ पे एक होटल में चेक इन कर लिया है जिसका नाम है होटल नटराज। वैसे ये दूसरा दिन है सुबह, हम कल रात में थोड़ा लेट आए थे और होटल मिलने में बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है। पाजी ये बताओ बिहार कैसा लगा अभी तक? बहुत बढ़िया। कल का वाटरफॉल तेल्हाड़ कुंड अमेजिंग, आपको कैसा लगा? कल का तो मतलब वाटरफॉल से ज़्यादा जो वहाँ का रास्ता था ना वो एपिक था भाई। क्या ग्रीनरी थी और क्या माउंटेन्स थे, मतलब अलग ही लेवल का। मतलब करकटगढ़ में भी ऐसा नहीं था। आउट ऑफ 10 एक्सपेक्टेशन में कितना मिलेगा इसको? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो 5 की थी लेकिन परफॉर्मेंस उसकी 9 की हो गई। आप बता पाए भाई साहब? मैं देखो ऑनेस्ट टाइम रहा, बिल्कुल ऑनेस्ट टाइम, मैंने जो बिहार एक्सपेक्ट किया था ना, एक होता आदमी विजुलाइज करता कि बिहार ऐसा होगा, वैसा बिहार नहीं है भाई, बहुत डिफरेंट है। मैं कल ऐसे नहीं, मेरी वीडियो की अगर आप देखेंगे मेरी एक लाइन डाली हुई है उसमें मैंने स्पेशली ये कह के कि आप इस जगह को देख के ये बताइए कि आप हिमाचल में हैं या उत्तराखंड में हैं या उत्तरांचल में हैं, कहाँ हैं, या महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि आपको ये बिहार नहीं लगेगा कहीं से। अब बहुत हो गया उत्तराखंड हिमाचल, अब ये बिहार ही है। अब लोग कंपेयर करेंगे कि ये तो यार बिहार जैसा लग रहा है। बोलो जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। लोकेशन से आप मेकआउट नहीं कर सकते। हाँ, तो मिलते हैं गाइस अब अगले वीडियो पे, क्योंकि यहाँ की वीडियो अभी तक लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे यहाँ से सासाराम में जो जो चीज़ें हैं देखने दिखाने को उसके साथ। तब तक के लिए